मंगलवार को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित हुए और वर्षों पहले शिकागो में मजदूर आंदोलन के दौरान शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स एसोसिएशन, विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश, हिंदू मजदूर संघ सहित अन्य संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कामरेड सूरज प्रसाद राय और पूर्वांचल अध्यक्ष हिंदू मजदूर संघ अश्वनी पांडे ने कहा, का विरोध है। ये जो मई दिवस को इंटरनेशनल डे है, आज पूरा संसार में मनाया जा रहा है, उसी पर में ये प्रोग्राम आज का है। जो चूलन उस जमाने में हुआ था उस काम आज नहीं हो रहा है। वैरायटी, डिजाइन, नाम, विकास तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो उस जमाने में हो रहा था कि 8 घंटे का ड्यूटी नहीं दे रहे सरकार, 24 घंटा करता था उस जमाने में, तो केवल 8 घंटा ड्यूटी की मांग थी। अब तो ILO ने 40 घंटा कर दिया है, तब भी सरकार नहीं ये मान नहीं रहा, देश का संसार मान रही है। तो ये सेरेमोनियल फंक्शन है, हर एक साल 1 मई को हम आपको इंकलाब जिंदाबाद, 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 दुनिया के मजदूर हो एक हो, एक हो बात, मई दिवस जिंदाबाद, 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 दुनिया के मजदूर हो एक हो, एक हो बात, जिंदाबाद, मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, नया जमाना आएगा, नया जमाना संदेश ये देना चाहते हैं कि 1946 में औद्योगिक मजदूरों के लिए जो कानून बना था, जिसके अनुसार निश्चित था उनकी सेवा सुरक्षा निश्चित थी, उसको इस सरकार ने बदल दिया है। और एक मौजूदा सरकार ने जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की है, ये वह ठेकेदारी प्रथा का ही एक रूप है। यानी ठेकेदार के रूप में, ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में मजदूर आ जाएगा, मजदूर की सेवा सुरक्षा कुछ नहीं है। अगर मजदूर की चेतना में वृद्धि नहीं हुई, मजदूर अपने हक को नहीं समझा, तो 1948 का जो काम के घंटे का कानून है उसको भी सरकार संशोधित करना चाहती है। पूरी दुनिया में आज एक साथ मनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व, जिसे हम मई दिवस, मजदूर दिवस के नाम से जानते हैं, इसके पीछे एक इतिहास है। पहले पूरे यूरोप में मजदूरों से कोई घंटा निर्धारित नहीं था काम करने का, अनवरत काम करते रहना है, न तो पगार कोई निर्धारित था, न तो काम के घंटे का कोई निर्धारित था। छोटे छोटे संगठनों ने ये 1870 से ही छोटा छोटा संगठन बना करके एक आंदोलन धीरे धीरे मूवमेंट में आ गया था। और मार्क्स और एंजल्स ने जो दुनिया को श्रम शक्ति के बारे में बताया, यह धीरे धीरे लोगों को श्रम शक्ति के बारे में जानकारी होने लगी। और यह बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इसी 1886 में ही पहले 1 मई को छोटे छोटे कल कारखानों के लोगों ने हड़ताल की नींव रखी और ये हड़ताल की नींव चलने लगी। कुछ कारखानों में हड़ताल हुआ, 2 मई को कुछ कारखानों में हड़ताल हुआ, 3 मई को एक और व्यापक हड़ताल हुआ और 3 मई के हड़ताल में कई मजदूर मारे गए। फिर 4 मई को जो हड़ताल हुआ, उस 4 मई के हड़ताल में पूरा शहर, जिस तबके में कपड़ा उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, सारे उद्योगों के मजदूरों ने एक विशाल प्रदर्शन करने का काम शुरू किया और उसमें एक बम कांड हुआ
पूंजीपतियों के लोगों ने, सरमाएदारों ने बम करके कुछ मजदूरों पर हत्या करवाई और उसके बाद वहाँ की जालिमाना हुकूमत ने तड़ातड़ गोलियाँ चलवाना शुरू की और चलातड़ गोलियाँ जो चलने लगी, जो आज यह लाल झंडा देख रहे हैं यह मजदूरों के रक्त से भीगा हुआ लाल झंडा है, तभी से लाल झंडे का निशान शुरू हुआ। और फिर जब उसके बाद यूरोप में एक सारे श्रम संगठनों का एक सम्मेलन हुआ और तय हो गया 1891 में कि मई दिवस को दुनिया का सबसे बड़ा पर्व माना जाएगा और उसी दिवस से पूरे दुनिया के मजदूरों को एक करने का काम किया जाएगा। सभी जाति धर्म मजहब का कोई मतलब नहीं, केवल श्रम का मतलब यह है। दुनिया को नई खोज दिया मार्क्स ने और मई दिवस के नाम पर उसी समय से पूरी दुनिया में एक बड़ा त्यौहार मना करके संगठन को मजबूत करने का, और जो श्रम सुविधाएं धीरे 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 इस संघर्ष के बदौलत निर्धारित हुई उनको लागू कराने का, ट्रेडों में काम करने वाले लोगों का ट्रेड यूनियन बनाने का, और जो भी सुविधाएं हैं फैक्ट्री एक्ट हो, शॉप एंड कमर्शियल एक्ट हो, बोनस एक्ट हो, ग्रेजुटी एक्ट हो, विभिन्न सुविधाओं को लागू कराने का जो काम शुरू हुआ यह मई दिवस का सबसे बड़ा। लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है इन सबको रौंदती जा रही है। आज उस समय से भी आवश्यकता हो गई है कि हम संगठित हों और उन कानूनों को बनाने के अलावा जो नए नए संकट पैदा हो रहे हैं, नई नई परिस्थितियां सरमायेदारों पूंजीपतियों द्वारा पैदा की जा रही हैं, उसको लड़ने के लिए एक विकल्प की जरूरत है।